और किसी का तुम अच्छा चाहो ना तुम्हारे साथ ही बुरा हो जाता है चेन और वो वो भी चुरा के बंदा ले गया मेरे रूम से मेरे रूम में घुसा और पता नहीं क्या क्या चुराया है क्या क्या नहीं उस बंदे ने मतलब वो जो चेन और फोन को पता है किसको दिया है जहाँ से वो नशा खरीदता है ड्रग्स वगैरह लेता है भाई मतलब सनी के सामने सामने वो बंदा चुरा के ले गया सनी को पता भी नहीं चला गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग तो अभी मैं रात के लगभग तो आज का जो व्लॉग था मैंने बीच में एंड कर दिया है वो मेरे खत्म हो चुका है अब मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एक दिक्कत हो गई है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक बंदा आया था और घर से कुछ फोन वोन का चोरी वोरी का सीन हुआ था हमें पता नहीं था कि उसने चुराया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैंने अमित को और मानव को भेजा था पता करने के लिए और उसी बंदे ने फोन चुराया था मुझसे झूठ बोल के कि मेरी मम्मी को कैंसर है मेरी हेल्प करो मुझे पैसे दो तो मैं भाई मेरे जैसा बंदा यार मतलब मेरा दिल ऐसा है ना यार मैं पिघल जाता हूँ भाई बंदा कुछ बोले ना मैं उसकी बातों में आ गया मैंने उसको अपनी वॉलेट से जितना कैश पड़ा था वो भी दे दिया किराए के लिए कि भाई तू तो दे पक्के पेपर लेके ले ले आएगा तो मैं तुझे पैसे भी दूंगा कैंसर के लिए जितने भी हो गए मैं अपनी तरफ से हेल्प करूंगा और कहते हैं ना आजकल के जमाने में भाई इंसानियत का कोई भी वो नहीं रहा भाई आजकल बिल्कुल मतलब किसी का तुम अच्छा चाहो ना तुम्हारे साथ ही बुरा हो जाता है तो अभी क्या सीन हुआ है कि वही बंदे ने फोन चुराया है पता लग गया वही बंदा फोन चुरा के गया और जब मैंने अपने रूम में देखा अच्छे से कि मतलब कुछ और चोरी करके तो नहीं ले गया जब पता चला कि हाँ वही उसने चुराया तो भाई मेरी एक चेन थी जो कि मैं एक तो ब्रेसलेट था जो मैं पहनता हूँ हमेशा एक सोने की चेन टाइप थी वो मैं दुबई से लेके आया था स्पेशली और वो मेरे को मतलब बहुत टाइम से चाहिए था मैं बंदा ले गया मेरे रूम से, मेरे रूम रूम से में घुसा और पता नहीं क्या क्या चुराया क्या क्या नहीं ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस कंप्लेन करने के लिए फटाफट से बहुत सीरियस सीन है यार भाई मैं कसम से बोलूँ यार कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यार सब्सक्राइबर आते हैं मिलने के लिए इतना वो करके मैं किसी की हेल्प करूंगा और मेरे साथ ही बंदा मेरे घर पे आके घुस के चोरी कर जाए तो ये भाई बहुत ज्यादा सीरियस चीज है एंड कसम से भाई मैं क्या बोलूं अभी हम लोग जा रहे पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मिलता हूँ आप लोगों को आगे ब्लॉग में ठीक है मैं चलो अगर बात होएगी अभी ना अगर बोलेंगे तो आपको आना पड़ेगा हे गई इस तो अभी घर पहुंच चुके हैं और मैंने पुलिस स्टेशन में ज्यादा रिकॉर्ड किया नहीं है बट एक बार वहां रिकॉर्ड किया था जहां से घर से बंदे को उठा रहे थे तो अभी सीन कुछ ऐसा हुआ हम लोग पुलिस स्टेशन में गए एंड पुलिस ऑफिसर्स जितने भी थे एक तो पुलिस ऑफिसर्स मुझे जानते भी थे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं भी जाऊँ तो अपने सब्सक्राइबर या व्यूअर मतलब जो मुझे जानते हैं यूट्यूब के थ्रू बहुत अच्छा लगता है जब भी उनसे मिलता हूँ तो काफी कॉपरेट किया उन्होंने पहले हम लोगों ने अपनी कम्प्लेट लिखवाई उसके बाद हम लोग तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको लेके चले गए अपने साथ में एंड लकीली हमें उस बंदे का जो एड्रेस था वो पता चल गया था मानव और अमित को पहले से तो हम लोग सीधा घर गए एंड फिर वहां से उसको उठाया एंड फिर पहले तो वो बोल रहा था कि उसने चेन वेन नहीं लिया बट एट द एंड वो मान गया एंड अब वो भाई तो है भाई पुलिस स्टेशन में और उस बंदे ने मतलब वो जो चेन और फोन को पता है किसको दिया है जहां से वो नशा खरीदता है ड्रग्स वगैरह लेता है जहां से वो ड्रग्स वगैरह खरीदता है वहां उस बंदे को दिया है तो अभी सुबह में पुलिस जाएगी एंड पता करेगी जितनी भी कार्रवाई है वो पुलिस ऑफिसर्स करेंगे एंड होप हमें हमारा जो फोन और चेन है वो मिल जाए बाकी वो जो बंदा है उस पर हम लोग को चार्ज लगवाने नहीं वाले वो पूछ भी देते पुलिस ऑफिसर्स भी पूछ देते कि आप क्या जाते हो बट हमें ना हमारा यार सामान मिल जाए एंड उसको थोड़ा सा वो समझा दे कि फ्यूचर में ऐसा नहीं करना है बाकी और पुलिस ऑफिसर्स समझा दे वही बढ़िया है कि यार फ्यूचर में ऐसा काम ना करे एंड आज के बाद से हम को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके और भाई लोग आप लोगों को पता गया गया इतना बड़ा सीन हो गया। मतलब यार किसी की मैं हेल्प कर रहा था उसने मुझे झूठ बोला कि उसकी मम्मी को कैंसर है उसके फादर है नहीं और मैं भी तरस खा के भाई मैंने भी उसको पैसे दे दिए वो उससे करके और वो भी घर पे आ गया ये वो करके मतलब किसी का अच्छा चाह और वही हमारा इतना बुरा करके चला गया बट कोई ना गए लेकिन गए अब से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है प्लीज अब पे मत आना अब इतने समझदार तो हुई कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब मैं आप लोगों से घर पे तो नहीं मिल सकता लेकिन बाहर कहीं भी, भी कोई दिक्कत नहीं है प्लस एक और चीज का हर जगह पे कैमरा लगने वाला है यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पर जितने भी हम लोग अपना प्रॉपर लगाएंगे सेफ्टी के लिए क्योंकि हम लोग दूसरे फ्लैट में भी जब शिफ्ट कर लेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं तो भाई अब आपको बंद करना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड रखने वाले हम लोग कल या परसों के अंदर अंदर ही जो कि नहीं आने देगा एंटर नहीं करने देगा क्योंकि पहले हम लोग बहुत लाइटली लेते थे चीजों को बट अब थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा एंड साथ में अब से मुझे भी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी गनमैन रखना पड़ेगा एंड एक बाउंसर रखना पड़ेगा क्योंकि वो तो मुझे पहले से भी रखना था मैंने आपको कभी बताया नहीं बट मुझे सुनने में बहुत बार आता कि लोग थोड़ा सा है मेरे को मतलब मेरे को बस इतना बोलूंगा ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इतना पता चल गया था कि मेरे को सिक्योरिटी रखने की जरूरत है तो अभी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी गनमैन प्लस बाउंसर एंड यहां पे भी पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो ऐसी और इससे भी बड़ी पहले से हम लोग अपनी तरफ से सेफ रहते हैं तो भाई लोग अभी फिलहाल के 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 लिए लिए मैं जा रहा सोने रात एक बज चुके हैं अब मैं मिलूंगा आप लोगों से सुबह आज का व्लॉग पहली बार मैं रात में शुरू कर रहा हूं तो वाई बारह बज चुके हैं एंड एक गुड न्यूज है हमारा जो फोन और जो चेन थी वो दोनों चीजें मिल चुकी है एंड जो ब्रेसलेट था वो नहीं मिल पा रहा है बट जो हमारी चेन थी एंड जो हमारा फोन था वो दोनों चीजें मिल चुकी है तो भाई लोग अभी का अपडेट कुछ ऐसा है हमारा जो फोन और चेन है वो दोनों की दोनों चीजें आ चुकी है एंड ब्रेसलेट तो आप लोग बताइए नहीं मिला बट फोन मिल चुका है एंड फोन रीसेट हो चुका है और गैस सोलन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है मतलब रात में हम लोग उनके पास चले गए थे कंप्लेट लिखने के बाद सीधा ही वो लोग हमारे साथ चल पड़े थे एंड रात में हम लोगों ने जिसने चोरी की थी उसको उठा लिया था पुलिस वालों ने एंड रात में पुलिस स्टेशन पर ही रखा एंड सुबह साढ़े बजे के करीब निकल गए थे तो गैस हम लोगों ने सोचा था उसकी फोटो डालेंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे यार यार देखो भाई उसको यही

था। तो वही है गैस सब कुछ मिल चुका है एंड अभी सब कुछ ठीक है बाकी गैस सिक्योरिटी गार्ड और गनमैन हम लोग ढूंढ रहे हैं जितने जैसे जितने जल्दी मिले उतना ही बढ़िया है शायद एक या दो दिन के अंदर मिल भी जाएंगे एंड हम लोग रख भी लेंगे उनको जॉब पे तो बाकी देखते दे... हाँ, हैं उसकी चिंता नहीं जितनी भी तो वही है गैस अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर में हम लोग निकलते जिम तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को में

और फ्रंट से कुछ ऐसा है स्क्रीन इसने तोड़ रखी है अब मैं इसकी स्क्रीन इसलिए भी चेंज नहीं करवा रहा था क्योंकि फिर स्क्रीन चेंज होगी ना तो आई थिंक ये रीसेट कर देते हैं वो लोग तो अब तो ऑलरेडी रीसेट हो चुका है तो मैं इसकी स्क्रीन ही चेंज करवा दूंगा और स्क्रीन चेंज करके इसमें अच्छे से लगवा लूंगा और ये फोन यार भाई पता ही आप लोग यार मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसी फोन से मेरे फिफ्टी थाउजेंड वन लाख एंड फिर टू लैख और फिर एक मिलियन तक का जो मेरा सफर था वो इसी फोन से हुआ है तो भाई ये फोन देखो भाई चेन ब्रेसलेट मैं फिर से भी खरीद सकता हूँ और आईफोन होगा कोई भी फोन होगा मैं फिर से खरीद सकता हूँ लेकिन ये जो फोन है ना ये फिर से नहीं आ सकता भाई इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्क्रीन को भी ना कल ही मैं ठीक करवा दूंगा कल ही दे दूंगा और अब क्योंकि रिसर्ट तो हो ही चुका है तो अभी इसकी स्क्रीन अच्छे से चेंज करवा लेते हैं एंड फिर चेंज करवा के इसको मैं ऑफ ऑफ करके बढ़िया तरीके से बॉक्स में पैक करके रख दूंगा भाई क्योंकि भाई दिल के करीब है ये फोन यार और गैस ये चेक करो अपनी जो रील है ना इंस्टाग्राम पे वो हो चुकी है तगड़ी तरीके से वायरल ये देखो भाई ये वाली रील जो है ना मैंने बनाई थी मैं आपको बोलता हूं इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो 6.2 मिलियन व्यूज है इस पे एंड लगभग एट लैक फोर्टी टू थाउजेंड क्या हम लोग इस पे एक मिलियन लाइक like कर सकते हैं भाई रील पे एक मिलियन लाइक like, भाई मजा आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू है जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ भाई ये अकाउंट है जाके सब लोग फॉलो कर दो जल्दी जल्दी से एंड ये रील जरूर से देखना और बताना कैसी लगी और आज आप लोग सोच रहे हो कि जैकेट क्यों पहन ली गर्मियों में पता नहीं यार आज यहाँ पे क्या मौसम हो रहा है या तो बारिश हुई होगी बाहर या पता नहीं क्या सीन है बट बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन ली अब थोड़ा मतलब जैकेट में भी ठंड लग रही है पता नहीं क्यों आज ठंड सी है बहुत ज्यादा और मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना इसी वाली रील जरूर से देखना मैं तो आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अ बिग शाउट आउट टू सोलन पुलिस फिर से एक और बार जिन्होंने हमारा फोन

चेक करेगी एंड चाहिए सोलन के अंदर ही गनमैन और बाउंसर तो मेरे को बता देना बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लॉग में तब तक के लिए बाय बाय